हरियाणा के पानीपत में भी कोरोना के केसों में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। मास्क व कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही पानीपत के लोगों को जागरूक करने के लिए लघु सचिवालय से पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता रैली निकाली है। डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने बताया कि बगैर मास्क घूमने वालों के चालान काटने शुरू कर दिए गए हैं। हमारे पानीपत में उसी को देखते हुए कल उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें निर्णय लिया गया था कि किसी भी प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए, तो उसके लिए आज ये प्लान बनाया। इसमें कुछ पुलिस की गाड़ियाँ होंगी, हेल्थ डिपार्टमेंट की होंगी और निगम की होंगी, और ये लोग जो हमारे हॉटस्पॉट हैं जहाँ पर ज़्यादा केसेज आ रहे हैं वहाँ पर एक फ्लैग मार्च निकालेंगे, वहाँ पर लोगों को जागरूक करेंगे और रुक रुक के एक ढोल का भी अरेंजमेंट हमने किया है, ढोल भी बजाएंगे ताकि लोग जागें सुने, और अनाउंसमेंट की गाड़ियां साथ हैं, हेल्थ वाले साथ हैं, ये सब अनाउंस करते जाएंगे कि किस प्रकार से हम बच सकते हैं। हालांकि सबको पता है कि किस प्रकार से हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन फिर भी जगाना यहां पर आवश्यक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो जो हॉटस्पॉट हैं वहां पर हम ये आज फ्लैग मार्च निकालने जा रहे हैं। सर कौन कौन से रूट रहेंगे? देखिए, सबसे पहले सेक्टर 13-17 के इलाके में जाएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेज आए हुए हैं, और उसके बाद चांदनी बाग के इलाके में जाएंगे, सेक्टर 11-12 में बहुत सारे केसेज आए हुए हैं, उसका चांदनी बाग के इलाके के बाद माल टाउन थाने के इलाके में जाएंगे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा केसेज आए हैं। तो जहाँ जहाँ हेल्थ विभाग ने हमें बताया है कि वहाँ पर ज़्यादा केसेज है वहाँ वहाँ पर ये फ्लैग मार्च निकाला जाए। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी अब सामने आ रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ना तो मास्क का प्रयोग किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं देखने को नहीं मिलती। देखिए, बिल्कुल ये तो पब्लिक की पूरी तरह से लापरवाही देखने को मिलती है। आप कहीं भी मार्केट में चले जाइए, कोई मास्क नहीं लगाता है। कल मैं सिविल हॉस्पिटल गया तो वहाँ देखा, वहाँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ कोरोना ही नहीं और ज़्यादा वो किसी बीमारी के कीटाणु भी आदमी को पकड़ सकते हैं, तो वहाँ भी लोग ऐसे ही थे, वहाँ भी हमने लोगों को बड़ा समझाया था। तो पब्लिक को तो जागरूक होना ही पड़ेगा, इसी पर्पज से ये आज फ्लैग मास्क निकाला गया। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।